किसान भाई को। तो आपको इसके ट्रैक्टर के सिनेमेटिक कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज हम फोर्ड 3600 का जो एक मॉडल आता था फोर्ड 3600 उसी के ट्रैक्टर के तर्ज पर ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर फोर्ड 3600 ही आप बोल सकते हो, वो कैसे मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊँगा। तो इस ट्रैक्टर का भी एक हिस्ट्री है अपनी, उस ट्रैक्टर के ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। और मैंने फोर्ड 3600 क्यों लिखा हुआ है वो भी आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, जब फोर्ड इंडिया में आया था तो उन्होंने एस्कॉर्ट के साथ मिलकर के कंपनी को अपनी स्टेबल किया था हिंदुस्तान के अंदर। तो एस्कॉर्ट की कंपनी का ही ट्रैक्टर आता है फार्म ट्रैक, एस्कॉर्ट का ही एक ब्रांड है फार्म ट्रैक। एस्कॉर्ट के दो ब्रांड आते हैं, फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक। तो जब फोर्ड अलग हो गया था एस्कॉर्ट से, तो फोर्ड का ही बिल्कुल सेफ फार्म ट्रैक ने निकाला था, फोर्ड 3600 का जो बिल्कुल सेफ वही ट्रैक्टर है। तो इसलिए हम इसे फोर्ड 3600 बोल सकते हैं। 48 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिलता है, फार्म ट्रैक 45 है। आगे इसके आपको मैं एम्बोसिंग दिखा देता हूँ लिखी हुई। ठीक है, तो ये फोर्ड 3600 ही हम बोल सकते हैं फार्म ट्रैक का है। तो हम फार्म ट्रैक वेल मैक्स F30 मॉडल है, 48 एचपी का ट्रैक्टर मिलेगा। और इस ट्रैक्टर की हम ट्रैक्टर के टायरों से शुरुआत कर लेते हैं, तो इस ट्रैक्टर में 13-6-28 के टायर मिल जाते हैं, और आगे के टायर जो मिलेंगे इसमें 6-16 के टायर मिलते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शनल में मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसमें देख सकते हो बैटरी बॉक्स भी इसका बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बाहर की ओर लगा के दे रखा, क्योंकि इसमें दोनों साइड रोड चलती है मैनुअल स्टीयरिंग की, सिंगल शिफ्ट वाला नहीं है। और इसमें देख सकते हो इसका एक्सल जो है इसका घुमावदार है और एडजस्टेबल भी है डबल पट्टी के साथ। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है, आप इसे कम दूरी में या छोटे खेत होते हैं उसमें कम से कम जगह मोड़ना चाहते हो तो ट्रैक्टर आपका मुड़ जाता है। अगर हम इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 2886 सीसी का इंजन मिल जाता है इसमें। ठीक है ना, देख सकते हो ये रहा, इधर 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है और इसमें 48 लीटर का लगभग डीजल टैंक मिल जाता है, जो कि इस ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर में आएगा। वाटर सेपरेटर से ये बिल्कुल फिल्टर होने के बाद फिर इसमें नए टेक्नोलॉजी का इसमें सिंगल डीजल फिल्टर मिल जाता है, उसके बाद बॉस के पंप में जाएगा फिर इंजन में जाएगा। ठीक है ना, 48 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिलता है पूरा अपना ये, और जो कि फार्म ट्रैक का अपना इंजन है। और इस ट्रैक्टर की अगर हम इंजन की सीसी की मैंने बात मैंने आपको बताई थी, 2000 आरपीएम के साथ ट्रैक्टर मिलता है ये। ठीक है, हम इसका बोनट हम बांध कर देंगे, थोड़ा सा कंजस्टेड है, एक हाथ से लगाना भारी पड़ रहा है। इसमें आई केयर के साथ 24 घंटे में हम आपको सेफ्टी मिल जाती है, वो मैं आपको बना करके वीडियो पे दिखा दूंगा। इसमें 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ मिलता है, हाई लो मीडियम, और 38 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है टॉप स्पीड में। ठीक है ना, फुल्ली सिंक्रोमैक्स गियर मिलता है जो कि इसमें मिडिल में मिलेंगे, साइड शिफ्टिंग नहीं मिलते। सीट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने खेती के अकॉर्डिंग। 48 एचपी का ट्रैक्टर है। इसके अगर इंजन की मीटर की बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की, तो 2500 आरपीएम दिखा रखे इंजन के, उसके इंजन के मीटर के अंदर, और डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर है। डिजिटल में इसमें आपको देख सकते हो फुली डिजिटल के आसपास और बिल्कुल मॉडर्न जमाने का इसमें मीटर लगा कर दिया है। ठीक है, और उसमें 12 वोल्ट का मोबाइल होल्डर भी इधर मिल जाता है, ये देख सकते हो। और आइए इसका थोड़ा सा पहली साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी साइड में आपको ट्रैक्टर में क्या मिलता है। जैसे कि पहले मैं आपको जाने से पहले इधर दिखाता हूँ, PCDC के लीवर इधर मिल जाते हैं, एक इसमें पीछे एक्सोलरी वाल मिलता है, इसमें डुअल भी मिल जाता है अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो, उसका लीवर ये है। हैंड ब्रेक इसका इधर मिल जाता है। PCDC लीवर को आप कितनी तेज़ गिरना चाहते हो, कितनी देर तेज़ उठाना चाहते हो, उसके लीवर ये एडजस्ट करने के लिए। आइए पीछे चल लेते हैं। तो जैसे हम पीछे आ चुके हैं, पीछे से आकर के मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 किलो की है। अगर हम ये रोड यहाँ पर लगा देते हैं इस वाले छेद में, तो 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी करेगा। अगर लगाते हैं तो 1600 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी करेगा। इसकी अगर हम PTO की पावर की बात कर लेते हैं, तो उसमें PTO दोनों साइड मिलती है, फ्रंट भी और रिवर्स भी, जो कि आप अपने खेती के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके अपने हिसाब से चला सकते हो। दो उसमें टॉपलिंग लिंकेज मिल जाती है, जो कि ADD सेंस के साथ मिलती है। और उसके अंदर जो PTO पावर मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी मैं आपको आगे जा कर दिखा दूंगा। ठीक है ना, और इसमें आप देख सकते हो डबल हैक्सोलरी वाल का भी ऑप्शन है, इसमें आप लगा भी सकते हो। अगर टॉप मॉडल खरीदेंगे तो आपको उसमें लगा मिलेगा। आपको नंबर प्लेट के लिए प्रोविजन पहले ही कंपनी का रखी, ब्रेक के प्लस इंडिकेटर लाइट इधर मिल जाते हैं जो कि बड़ी शानदार है। एक हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, जो कि आपको अलग से कुछ भी करना हो रात को तो आपको कोई बल्ब या चांद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे अपना वर्क कर सकते हो। एक इसमें देख सकते हो फाइबर का इसके अंदर नहीं मिलता, इसके अंदर लोहे का मिलता है टूल बॉक्स। 5 साल की वारंटी है, इस कंपनी ने सबसे पहले वारंटी 5 साल की देनी चालू करी थी। ठीक है ना,
और लिफ्टिंग कैपेसिटी मैंने आपको बता दी है। इसके अंदर होल्डिंग भी, डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर। आइए आगे चलते हैं साइड में, जब आपको वहाँ दिखाता हूँ। तो जैसा हम इधर की तरफ आ चुके हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ सीट एडजस्ट करने के लिए। इसमें लीवर है आगे पीछे करने के लिए, और इसमें देख सकते हो पी टू गियर बॉक्स इधर मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। और इसमें देख सकते हो हॉर्न इधर मिल जाएगा, और लाइट के लिए इधर स्विच मिल जाता है इसमें। और इसमें आपको टायरों कितनी हवा रखनी है इसके बारे में, गियर बक्से के बारे में इधर मिल जाएगी इसमें सारी डिटेल। और इस ट्रैक्टर के बारे में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ से टोल फ्री नंबर पर ले सकते हो। इसमें आई केयर बटन, यहाँ अगर आपको ट्रैक्टर कहीं भी खेती में या घर पर कुछ सर्विस कराना चाहते हो या कुछ भी, उसके अंदर एक आई केयर बटन मिल जाता है, ये लिख रहा है आपको देख सकते हो, वो इधर यहाँ मिलेगा। 7 सेकंड से अगर आप दबा कर रखोगे तो आपके नंबर पर कंपनी की ओर से कॉल आ जाएगी 24 घंटे से पहले पहले आपके पास इंजीनियर प्रोवाइड हो जाएगा सर्विस के लिए भी। ये आप देख सकते हो दो दो फिल्टर मिल रहे हैं इधर, एक इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर है, किसमें इंजन ऑयल फिल्टर है, सेल्फ स्टार्ट मोटर इधर मिल जाती है। ये 500 घंटे के सर्विस अंतराल के बाद ट्रैक्टर की सर्विस होती है, ठीक है ना। और ट्रैक्टर का व्हील बेस और इस ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस और इस ट्रैक्टर का वेट कितना है, ये सबको आपको नीचे वीडियो में लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इस ट्रैक्टर का ब्रोशर मुझे नहीं मिला जो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूँ। 35 एम्पीयर का इसका अंदर डायनमो मिल जाता है, जो कि हमारी बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज करता है। 20 साल का भरोसा कंपनी के साथ, 20 देश से भी ज़्यादा ट्रैक्टर में, 54 देश से भी ज़्यादा कंट्री में ट्रैक्टर निर्यात कर दिया फार्म ट्रैक। 8 LED बल्ब के साथ एक हेलोजन मिल जाता है, वो इसमें देख सकते हो कितना शानदार फार्म ट्रैक लखा हुआ मिलता है। 45 फोन नंबर प्लेट के लिए आगे प्रोविजन भी है, ब्लैक कलर की पट्टी, आप देख सकते हो कितना शानदार लगता है ट्रैक्टर। और इस ट्रैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस ट्रैक्टर की अपना एक बहुत ही बड़ा पहले ही हिस्ट्री है, जो कि आपको पता है इस ट्रैक्टर के बारे में, जो इस ट्रैक्टर को आज तक भी रिकॉर्ड कायम करा कर रखा है इन्हें अपना। और इस ट्रैक्टर का देख सकते हो इसमें डुअल क्रिच सिंगल क्रिच का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप दब सकता है ये ऊपर बैठने के बाद। दोनों साइड में हैंडल मिल जाता है, दोनों साइड में एक साइड मिलेगा ग्रैब हैंडल ऊपर चढ़ने के लिए। इंडिकेटर प्लस पार्किंग लाइट बड़ी ही शानदार मिल जाती है। और इनके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये हाईवे में खड़ा हूँ, मेरिट के लिए जाता है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। इसमें देख सकते हो इसमें फुट स्टेपर मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है ना, और जो कि बहुत ही शानदार लगता है। और इसमें क्लासिक स्टीयरिंग मिलता है 3 स्पोक के साथ। एक बार इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, इसकी डीजल खपत की अगर हम बात कर लेते हैं तो फुल लोड के साथ ये आपको 5 से 5.5 लीटर के आसपास डीजल लेगा, लेकिन आपको पूरा दबा काम करेगा। और कीमत मैं इसकी आपको ट्रैक्टर की बता नहीं सकता, एक एस्पेक्ट तौर पर कितनी कीमत हो सकती है अंदाजे के तौर पर मैं आपको दिखा दूँगा। अगर आपको पूरी डिटेल में इसकी प्राइस की कीमत जाननी है तो आप मेरे से कमेंट करना, कमेंट में मैं आपको घर जा करके गूगल पर बता दूँगा। तो ठीक है, आइए इसकी आवाज़ सुन लेते हैं एक बार, आइए इसकी एक बार आवाज़ सुन लेते हैं मिस्त्री साहब हमें। तो देखो तो कितनी शानदार आवाज़ है, एकदम जबरदस्त। और हम कितनी बिना ट्रैक्टर को रोक के गियर बदल सकते हैं, क्योंकि फुली सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स मिलता है ट्रैक्टर के अंदर। तो आवाज़ देखिए आपने, ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो आपको कैसा ट्रैक्टर लगा, और ट्रैक्टर आप इसमें लेना चाहोगे या इसका जो नॉर्मल शेप में आता है फार्म ट्रैक 45 उसी के साथ साथ जाना चाहोगे, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और किस किस किसान भाई को इस ट्रैक्टर के शेप से ज़्यादा मोहब्बत थी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या फार्म ट्रैक ईओ मॉडल का या फोर्ड 3600 किस किसान भाई ने रखा ये भी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।